हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें सिक्स क्लोज़ेस को डिफ़ाइन किया गया है फर्स्ट है नेम क्लोज इट स्पेसिफाई द नेम ऑफ दी कंपनी सेकंड सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज ये डिनोट करता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन को थर्ड ऑब्जेक्ट क्लोज ये उस ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है जिसके लिए कंपनी फॉर्म की गई है फोर्थ लाइबिलिटी क्लोज ये कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी को स्पेसिफाई करता है कैपिटल क्लोज इट्स स्पेसिफाई द डिटेल्स ऑफ कंपनीज कैपिटल सिक्स सब्सक्रिप्शन क्लोज इट्स स्टेट द मेंबर सब्सक्राइबिंग देयर सिग्नेचर इन मेमोरेंडम अब हम फर्स्ट नेम क्लोज को पढ़ेंगे नेम क्लोज दिस क्लोज कंटेन दी नेम बाय विच दी कंपनी इज रजिस्टर्ड यह उस नेम को कंटेन करता है जिस नेम से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो किस नेम को सेलेक्ट करे वो अपनी मर्जी से नेम सेलेक्ट कर सकती है बट कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ है जिनको माइंड में रखना है कुछ पॉइंट्स है कंपनी को अपना नेम चूज़ करते समय माइंड में रखने हैं तो फर्स्ट पॉइंट है मस्ट नॉट बी अनडिज़ायरेबल इन ऑप्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन सेक्शन फोर नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड अंडर आ नेम विच इज इन अप्रोप्रिएट और अनडिजल कंपनी है वो ऐसा नाम नहीं रख सकती जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का है कोई नई कंपनी फॉर्म हो रही है तो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम जैसा नेम अपना नहीं रख सकती क्यों नहीं रख सकती क्योंकि ये पब्लिक को कन्फ्यूज करेगा ये अनडिज़ायरेबल है और इससे एग्जिस्टिंग कंपनी की रेपुटेशन भी हार्म होगी सेकेंड पॉइंट इट मस्ट नोट बी प्रोहिबिटेड अंडर एंडब्लम एंड नेम्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो नेशनल वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकती अपने नेम के साथ और सम अदर वर्ड्स हैं जो प्रोहिबिटेड है गवर्नमेंट के द्वारा उन अगर इनका यूज़ करना है तो गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी ये वर्ड्स हैं एम्प्रर एम्प्रेस इम्पीरियल किंग क्वीन रॉयल स्टेट और जो कंपनी है वो नेम के नेम या एम्बलम जो से नेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हैं नेशनल फ्लैग का इन सब का भी यूज़ नहीं कर सकती नेशनल लीडर्स के नेम कोऑपरेटिव वर्ड का यूज़ नहीं कर सकती थर्ड पॉइंट है यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ये मैंडेटरी है हर एक पब्लिक कंपनी के लिए लिमिटेड वर्ड का यूज़ करना और प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन वर्ड को यूज़ करने का ताकि जो मेम हैं कंपनी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी का पता चले कोई भी पर्सनज है कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनको मेंबर्स की लाइबिलिटी का पता चले और अगर कोई कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी के भी साथ और विदाउट यूजिंग दी वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड तो इसके लिए जो डायरेक्टर्स हैं वो पर्सनली लाइबल होंगे फोर्थ पॉइंट है लाइसेंस टू ड्रॉप वर्ड लिमिटेड यानी कि कौन सी कंपनियां हैं जो वो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ नहीं कर सकती किन को छूट मिली हुई है जो सेक्शन एट में कंपनीज कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन एट में जो कंपनियां हैं जो इनकॉर्पोरेट की गई हैं डेवलपिंग ट्रेड साइंस टेक्नोलॉजी कल्चर रिलीजियन एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं जो कंपनियां वो उनको छूट प्रोवाइड की गई है कि वो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ छोड़ सकती हैं फिफ्थ पॉइंट है प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ दी नेम ऑफ द कंपनी दी नेम ऑफ द कंपनी मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन अ साइन बोर्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ऑल ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी इन इंग्लिस और द रीजनल लैंग्वेज कंपनी का नेम है जो कंपनी के ऑफिस में कंपनी के प्लेस ऑफ बिजनेस में के जो साइन बोर्ड हैं उन पर इंग्लिस में और रीजनल लैंगवेज में होना मैंडेटरी है और कंपनी का जो नेम है कंपनी की कॉमनसील पर बिजनेस लेटर पर भी शो होना जरूरी है और वन पर्सन कंपनी के केस में ब्रैकेट में वन पर्सन कंपनी डिफाइन करना मैंडेटरी है